हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजिशा, बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में आपको आज कस्बा तथा नगर में अंतर, महानगर, घेटो और वैश्विक नगर के बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि आप कस्बा तथा नगर में अंतर को जानें, मैं चाहूंगी कि आप एक बार मेरे द्वारा बताए गए नगर की विवेचना को पुनः देख लें, जिससे कस्बा तथा नगर में अंतर स्पष्ट होना आपको सरल हो जाए। नगर का आकार कस्बे की तुलना में बहुत बड़ा होता है तथा विभिन्नतापूर्ण होता है। आमतौर पर कस्बे की जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं होती, लेकिन भारत में कुछ नगरों की जनसंख्या तो 50 लाख से भी अधिक है। नगरों में व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों को जानते हैं जो उनके विभिन्न हितों से संबंधित होते हैं। कहने का अर्थ है कि नगरों में कई बार तो लोग अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते हैं, केवल उन लोगों से संबंध रखते हैं जिनसे उन्हें कोई काम होता है। कस्बे का आकार छोटा होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। अधिकांशतः लोग उन लोगों को भी थोड़ा बहुत जानते हैं जिनसे उनके किसी तरह के भी कोई संबंध नहीं होते हैं। नगर की संरचना बहुत ही परिवर्तनशील, अव्यक्तिक, विशेषीकृत होती है। कस्बों में लोगों का परंपरागत जीवन होने के कारण श्रम विभाजन का अभाव होता है या श्रम विभाजन अल्प रूप में देखने को मिलता है। कोई भी कार्य किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, अर्थात ये मैं कस्बे के बारे में बता रही हूँ, अर्थात परिस्थिति भी विशेषीकृत नहीं होती है। नगरों में बच्चों का समाजीकरण संबंधित कार्य, अधिकांश जो कार्य है वो औपचारिक संगठनों द्वारा किया जाता है। नगरों में मनोरंजन भी व्यापार बन गया है। कहने का अर्थ है कि मनोरंजन का व्यापारीकरण हो चुका है। कस्बा में आज भी समाजीकरण के मुख्य अभिकरण परिवार, पड़ोस, खेल समूह आदि हैं, जिनके माध्यम से बच्चों का समाजीकरण प्रभावित होता है। काफ़ी सीमा तक मनोरंजन की प्रकृति भी परंपरागत होती है कस्बों में। नगर में विकसित प्रशासनिक संरचना होती है और इस प्रकाशित जो प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो निवासियों को नगर सुविधाएं देते हैं। ये विभाग और अधिकारी कर्मचारी नगर के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और नगरों में औपचारिक नियंत्रण के साधनों द्वारा नागरिकों के व्यवहारों पर नियंत्रण किया जाता है। कस्बे में इन प्रशासनिक अधिकारियों की कमी होती है और इस कमी होने के कारण ही बहुत सारी सुविधाएं वहां के लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती हैं और यही एक मुख्य कारण है कि गांव से लोगों का नगरों की ओर जाना या प्रवास करना। नगर में विशेषीकरण की प्रकृति बहुत विकसित होती है, यानी किसी विशेष कार्य में दक्ष होना, किसी कार्य में दक्षता जब हम प्राप्त कर लेते हैं या उसकी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं तथा इसी के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, प्रतियोगिता करता है। कस्बे की आर्थिक संरचना सामान्यकृत होती है। सामान्यकृत का अर्थ है कि अधिकांश लोग एक से अधिक तरह के आर्थिक क्रियाओं के द्वारा आजीविका अर्जित करते हैं, यानी आजीविका अर्जित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कस्बे में एक व्यक्ति एक ही तरह का कार्य करे, वो अनेक प्रकार के कार्य भी कर सकता है। अब मैं आपको महानगर के संबंध में समझाऊँगी। नगर के विस्तृत, अधिक विकसित तथा अधिक रूप से आर्थिक रूप से उन्नत रूप को हम महानगर कहते हैं। महानगर के अर्थ को मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। विद्वान बर्गेल ने किसी नगर के केंद्रीय महत्व के आधार पर इसे परिभाषित किया। आपके अनुसार महानगर शब्द का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में स्थित केंद्रीय नगर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जो आकार में बड़े होने के साथ ही अनेक नगरीय बस्तियों से घिरा होता है। दूसरा दृष्टिकोण है जनसंख्या, आवासीय विशेषताओं तथा व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित।
इस दृष्टिकोण के आधार पर महानगर उस नगर को कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है तथा प्रति वर्ग किलोमीटर में कम 2000 व्यक्ति निवास करते हैं, जहां नगर के मध्य भाग में व्यापारी तथा मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि नगर से लगे हुए बाहरी और खुले भाग में उच्च वर्ग के आवास स्थित होते हैं। नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए अविकसित क्षेत्रों में शारीरिक श्रम से संबंधित निर्धन लोगों की बस्तियां होती हैं। ऐसे नगर व्यापार का केंद्र होते हैं, जो अपने चारों ओर के नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संक्षेप में, आर्थिक साधनों का संचय महानगरों में होने लगता है। तीसरा दृष्टिकोण है महानगर के प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित। इसके अनुसार अनेक नगरों के बीच स्थित महानगर क्षेत्र, जो आर्थिक, प्रशासनिक, नागरिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तियों को अधिक उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराता है और उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण जो उसके निकटवर्ती नगर होते हैं, नगरों से महानगरों की ओर लोगों का प्रवास होने लगता है या लोग प्रवास करने लगते हैं। आज़ादी के समय 1951 की जनगणना में मुंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली तथा बेंगलुरु की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, जबकि 1971 में इन महानगरों की संख्या बढ़कर 11 हो गई और वर्ष 2011 में इन महानगरों की संख्या 46 हो गई। इसमें से 14 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक है। इनमें से 5 नगर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु वे नगर हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। मुंबई तथा दिल्ली की जनसंख्या वर्ष 2011 तक 11 करोड़ से भी अधिक हो चुकी। वर्ष 2014 तक भारत में जनसंख्या के आधार पर लगभग 56 नगरों का समावेश उन महानगरों के अंतर्गत हो चुका है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। अब हम महानगरों की विशेषताओं को समझते हैं। अनेक नगरों के बीच केंद्रीय स्थिति का होना। भौगोलिक रूप से अनेक नगरों के केंद्रीय हिस्से में जो नगर बसा होता है, उसमें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे केंद्र भाग में स्थित नगर की जनसंख्या बढ़ने लगती है, वहाँ आर्थिक साधनों का संचय बढ़ जाने के कारण प्रतियोगी आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में उसकी क्षमता भी, यानी इन महानगरों की क्षमता भी बढ़ती जाती है तथा ऐसे नगरों के लोग अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महानगर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान समझते हैं। फलस्वरूप अन्य नगरों की तुलना में महानगर में आर्थिक तथा भौतिक वृद्धि की दर अधिक तीव्र होती है। अब हम दूसरी विशेषता को जानेंगे, परिवहन व संचार की उन्नत व्यवस्था। महानगर के भौतिक स्वरूप से संबंधित ये एक प्रमुख विशेषता है। सभी महानगर रेल लाइनों से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि महानगर में रहने वाले निवासी दूर दूर स्थानों पर आसानी से आ जा सके तथा विभिन्न दिशाओं की ओर जाने के लिए भी राष्ट्रीय मार्गों की व्यवस्था होती है। संचार के उन्नत साधन, बैंकिंग, व्यापारिक सेवाएं इस तरह से जुड़ी रहती हैं जिससे व्यक्ति कम समय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सके। महानगरों में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संचार की उन्नत प्रणालियां और गुप्त प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। महानगरों में क्योंकि वाहन बहुत अधिक होते हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से वहां सड़कों का रखरखाव भी बहुत अधिक किया जाता है। अब हम तीसरी विशेषता समझेंगे, बहुउद्देशीय उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय। सभी महानगर उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इनमें किसी विशेष उद्योग का केंद्रीकरण नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित अनेक उद्योगों के द्वारा यहाँ उत्पादन होता है। महानगर व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं।
और इनके चारों ओर फैले हुए छोटे नगरों के फुटकर व्यापारी महानगरों के वितरकों के और थोक व्यापारियों से विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं। महानगरों में जैसे जैसे पूंजी का संचय बढ़ने लगता है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कहीं अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा मिलने लगती है। इस प्रकार एक प्रक्रिया के रूप में महानगरों का विस्तार होने के साथ ही सीमावर्ती नगरों पर इनके आर्थिक प्रभाव में भी वृद्धि होती रहती है। जनसंख्या का आकार तथा घनत्व। नगर के नाम या शब्द से ही छोटे का एहसास होता है और महानगर से स्पष्ट होता है कि ये आकार में बहुत बड़े हैं। विश्व के अनेक देशों तथा भारत में उन्हीं नगरों को महानगर की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है और जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व 2000 से अधिक होता है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो यूरोप तथा दूसरे देशों की तुलना में विभिन्न महानगरों में भारत में जनसंख्या का घनत्व 4000 से लेकर 11000 तक है। इससे भी महानगरों में जनसंख्या के केंद्रीकरण तथा उसमें उत्पन्न समस्याओं का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। उपक्षेत्रों में विभाजन। महानगरों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होने तथा जनसंख्या बढ़ने के साथ नगरीय क्षेत्र का विस्तार होते रहने के कारण एक ही नगर अनेक उपक्षेत्रों में विभाजित हो जाता है और इन उपक्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यातायात के विकसित साधनों जैसे पुलों का निर्माण करना भी आवश्यक हो जाता है, जिससे लोग कम से कम समय में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरे स्थानों पर आसानी से आ जा सकें। आमतौर पर महानगर के विभिन्न उपक्षेत्रों की आर्थिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इस दशा में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी उपक्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र। महानगर की एक मुख्य विशेषता राजनीतिक गतिविधियों का इस तरह संचालन होना है कि ये नगर एक ऐसी संस्कृति का केंद्र बन जाते हैं जिसे राजनीतिक संस्कृति कहा जा सकता है। ये संस्कृति वह है जिसमें नगर की संपूर्ण जनसंख्या एक दूसरे से भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में विभाजित होती है। महानगर की संस्कृति की प्रकृति मिश्रित प्रकार की होती है, जिसे सामान्य शब्दों में एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति कहा जाता है। नगर में समय समय पर इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं जिससे सांस्कृतिक समरसता को प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। पारिस्थितिकीय या विशेषीकरण। विद्वान हैरिस तथा अलमैन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ सिटीज़ में महानगर की इस विशेषता का वर्णन किया है। उनके अनुसार महानगरों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में विशेष योग्यता विकसित करके अपनी आजीविका के साधन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण नगर विभिन्न व्यवसायों तथा आर्थिक स्थिति से संबंधित एक दूसरे से भिन्न क्षेत्रों के रूप में विकसित होने लगता है। चलिए अब हम जानते हैं घेटों के बारे में। सर्वप्रथम लुईस विर्थ ने अपने शोध प्रबंध में, ये शोध प्रबंध जो उनकी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिखा गया था, में 1955 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने नगरीकरण एक जीवन विधि के रूप में अपने निबंध में घेटों को नगरों के बीच स्थित एक ऐसे सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट किया जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से उसे दूसरे समूह से अलग किया जा सकता है।
टाइनबी ने घेटों की प्रकृति को कार्य की दशाओं एवं घनत्व के आधार पर स्पष्ट किया है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद जब औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी तो विभिन्न उद्योगों में लगे कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि होने लग गई। आरंभ में इन श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग उन लोगों से संबंधित था जो कि शारीरिक श्रम करने के लिए गांव से नगरों में बसने आए थे तथा जिन्हें नगर के परंपरागत निवासियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित करना एक आम बात हो गई थी। ऐसे में इन श्रमिकों का जमवाड़ा या एकत्रित होना वहाँ शुरू हो गया जहाँ किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधाएं नहीं थी। ऐसे हिस्से बहुत ही अविकसित थे और कम मजदूरी के बाद विभिन्न श्रमिक समूह किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। मजदूरों तथा विभिन्न सजातीय समूहों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही घेटों के आकार में भी वृद्धि होना आरंभ हो गई। घेटों एक विशेष प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक समूह है। ये समूह नगर के दूसरे समूह की तुलना में अपने आप को भिन्न मानता है और इस समूह की सांस्कृतिक विशेषताएं एक निम्न आर्थिक समूह के समान होती हैं। एक विशेष प्रकार के मनोवैज्ञानिक समुदाय के रूप में विर्थ ने घेटों को स्पष्ट किया है। घेटों से संबंधित लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। अलगाव की मानसिकता इनमें मुख्य होती है। इनमें ऐसी भावनाओं की भी प्रधानता होती है कि ये अपनी सामाजिक आर्थिक दशाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। घेटों वह क्षेत्र होता है जिसमें नागरिक सुविधाओं का अभाव होता है। इस कारण से अधिकांश लोग गंदे और अस्वस्थ वातावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होते हैं और साधनों का अभाव होने के कारण ये अपनी परिस्थिति में भी सुधार लाने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रारंभ में औद्योगिक श्रमिकों की कार्य दशाएं बहुत ही अमानवीय रहीं। इनके कार्य करने के कोई भी निश्चित घंटे नहीं थे। श्रमिकों को 12 घंटे तक भी काम करना पड़ता था। अधिक मजदूरी नहीं देनी पड़े इसलिए कम आयु के बच्चों को भी मालिक काम पर रख लेते थे। स्त्रियों का आर्थिक शोषण बहुत अधिक होता था। टाइनबी ने अपनी पुस्तक नगरों के बढ़ते कदम में जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही महानगरीय बस्तियों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। आपके अनुसार घेटो एक ऐसी बस्ती है जिसमें दिन की अपेक्षा रात में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और इसका कारण भी आपने बताया है कि दिन के समय घेटों से संबंधित जो अधिकांश पुरुष स्त्रियां और 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं वे उद्योगों में काम करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं जबकि रात में वे केवल भोजन करने और सोने के लिए घर में आते हैं, जिसके फलस्वरूप दिन में ये बस्तियां खाली रहती हैं जबकि रात में पूरी तरह भर जाती हैं। वर्तमान युग में देखें तो एशिया के अधिकांश देशों के औद्योगिक महानगरों में पाए जाने वाली गंदी बस्तियों की प्रकृति घेटों के समान ही है। इन बस्तियों में रहने वाले निवासी अपने शारीरिक श्रम को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं तथा झुग्गी झोंपड़ी में रहकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो इन गंदी बस्तियों में रहने वालों ने नागरिकों में सभी वह विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिन्हें विर्थ ने घेटों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा पारिस्थितिकीय विशेषताएं कहा है। वैश्विक नगर। वैश्विक नगर की अवधारणा का संबंध वैश्वीकरण से है की प्रक्रिया से है। वैश्विक नगर की प्रकृति को समझने के लिए संक्षेप में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर विश्व के अनेक देशों का एक दूसरे से जुड़ना, यानी विश्व के अनेक देश एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। ये परिवर्तन और एकीकरण की एक नई प्रक्रिया है। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था के ऐसे एकीकरण से है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच पूंजी तथा विभिन्न
उत्पादों का मुक्त प्रभाव होने लगता है। संचार की क्रांति से आज पूरी दुनिया की दूरियां समाप्त हो जाना वैश्वीकरण की एक विशेषता है। सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण का संबंध संपूर्ण विश्व में एक सार्वभौमिक संस्कृति का विकास होना है। सार्वभौमिक संस्कृति का अर्थ है जिसमें स्वतंत्रता, तार्किकता या तार्किक जीवन, व्यक्तिक विकसित टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, गतिशीलता तथा उपयोगितावादी मूल्यों का विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम विद्वान शासिका ससेन ने अपनी पुस्तक ग्लोबल सिटी में पहली बार वैश्विक नगर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि ये वह नगर हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक केंद्र हैं। इस संदर्भ में उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो को वैश्विक नगर के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये वह नगर हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय निगमों, उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, बड़े बड़े वित्तीय संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो मुंबई तथा दिल्ली वैश्विक नगर हैं। इन नगरों की जनसंख्या 55 लाख से अधिक है। वर्तमान में विश्व के ये सभी देश जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें वैश्विक नगर माना जाता है। जैसे टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, मास्को, सिंगापुर, पेरिस, जनेवा, बोस्टन आदि नगर। वैश्विक नगर की विशेषताएं। वैश्विक नगर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: वैश्विक संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तथा आंदोलनों की वैश्विक प्रकृति, प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति, धार्मिक अंत्येष्टिक्रियाओं में आदान प्रदान, समरूपता तथा विभेदीकरण, व्यवसायों की बहुलता, सैटेलाइट द्वारा संचालित संचार व्यवस्था, जनसंख्या का आकार तथा घनत्व। धन्यवाद।